नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लेटर हब यूट्यूब चैनल में। फ्रंट में से जितना आप देख रहे हैं ना, ये वही हमारी बूम वाला जो अभी सबसे ज़्यादा मतलब डिमांडेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, वही वाला है। पर ये स्टीरियो में है दोस्तों, देख लीजिए। लेफ्ट साइड में हमारी स्पीकर प्रोटेक्शन, राइट साइड में भी स्पीकर प्रोटेक्शन, राइट साइड में भी क्लास डी वाला सर्किट। इसमें छोटा वाला कोर नहीं है, ये बड़ा वाला कोर है, और इधर भी बड़ा वाला कोर के साथ क्लास डी 900 मॉस्फेट हमने यहाँ पे लगा दिए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, इसको गूगल में चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 4468 वाला मॉस्फेट यहाँ पे लगा हुआ है, और 4793 वाला मॉस्फेट जो है यहाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो कि 12 वोल्ट बायसिंग को ऑपरेट करने के लिए क्रिएट करने के लिए। कैपेसिटर यहाँ पे जोंजीएल का कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि आपका 63 वोल्ट में 10,000 माइक्रोफैरड करके हैं, और ट्रांसफार्मर यहाँ पे 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, 45045 का ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है। इसमें सॉफ्ट स्टार्टर की ज़रूरत नहीं है, तो सॉफ्ट स्टार्टर हमने नहीं लगाए। यहाँ पे स्टीरियो और मोनो करने के लिए स्विच जो कि दिया गया है, और मेन पावर स्विच, दो आपको पावर एलईडी दिख रहा होगा, ये एक्चुअली दो पावर एलईडी नहीं है, ये एक्टिव एलईडी है, एज ए पावर भी आप बोल सकते हैं। लेफ्ट साइड का चैनल में अगर कोई दिक्कत नहीं रहेगा, चैनल चालू कंडीशन में है तो ये वाला लाइट ग्लो करेगा, और राइट साइड में भी अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये वाला ग्लो करेगा। अगर कोई भी दिक्कत आ जाता है तो ये दोनों ही एलईडी बंद हो जाएगा। चलिए पावर को थोड़ा सा ऑन करके आपको हम दिखा देते हैं इसका डिटेल्स। दोस्तों अभी ये एम्पलीफायर जो कि ना टोटली ऑफ कंडीशन में है, अब इसको ऑन करते हैं हम, देख लीजिए, ऑन कर दिया, चैनल वन चैनल टू, ओके। तो दोनों ही चैनल आपका तैयार हो चुका है चालू करने के लिए, मतलब अभी ऑडियो देने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका छोटा सा टेस्टिंग जो कि वो हमने नहीं किए, वो थोड़ा सा बोलना आपको मैं भूल गया था कि इसका जो वाटेज है वो कितना है, कितने वोल्ट पे ऑपरेट करेगा, ये इस बारे में हम बात करने में भूल गए थे। तो इसका जो वाटेज रहेगा ना, ये 400 प्लस 400 वाट का एम्पलीफायर है, ट्रांसफार्मर की हिसाब से इसका आउटपुट है। और सबसे बड़ी बात जो कि कस्टमर डिमांड, कई लोग बोलेगा कि 900 वाट सर्किट लगा के आप 400 वाट क्यों बोल रहे हैं। देखिए बात ऐसा है कि मॉस्फेट हम कौन सा लगाएं और सर्किट कौन सा लगाएं, ये तो एक बात है, पर सबसे ज़्यादा मेन बात जो है ना ट्रांसफार्मर पर आ जाता है। ट्रांसफार्मर कितना वाट का है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बात है। तो ट्रांसफार्मर लगभग 800 वाट्स कैपेसिटी रखने वाला ट्रांसफार्मर है, तो उसी हिसाब से इसका जो आउटपुट है वो आएगा। हमने टोटल कनेक्शन कर चुके हैं, अभी मोनो में हम चला रहे हैं इसको, क्योंकि वाटेज हमारा लगा हुआ 600 वाट का एक साइड में लोड दिया हुआ है, क्योंकि हमारी एक सिंगल डबल टॉप हम वो लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन देख लीजिए, XLR के साथ, सॉरी स्पीक ऑन के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है चैनल वन पे, और यहाँ पे P38 सॉकेट लगा हुआ है जैक। अभी NCS म्यूजिक को हम प्ले कर दिए हैं, तो चलिए टेस्टिंग करके देखते हैं। कई लोग बोलेगा कि यहाँ पे ब्लूटूथ हम क्यों नहीं लगाए, दोस्तों ये कस्टमर के हिसाब से हमने यहाँ पे लगाए हैं कि प्लेट लगा दिए हैं, USB नहीं लगाए हैं, बिकॉज कस्टमर बोले थे कि इसको एकदम बिल्कुल प्लेन चाहिए, तो उसी हिसाब से इसको असाइन किया गया है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो यह था छोटा सा टेस्टिंग। एक्चुअली यहाँ पे हम ज़्यादा प्रेशर देकर टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आसपास में एग्ज़ाम्स चल रहा है, ठीक है, तो दैट्स वाई हम बच्चे लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादा प्रेशर देखे रात को चला भी नहीं पा रहे। ओके, तो आशा करता हूँ आपको साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया अच्छा लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।